ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कमेंट्स करके ये बात पूछते हैं कि बार बार हमें धोखा क्यों मिलता रहता है। आप तो कभी किसी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं करते हैं, आपने तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया, सही बात को सही कहा, गलत को गलत कहा, लेकिन लोग हमारे साथ हमारी अच्छाई का मिसयूज़ करते हैं और बार बार हमें धोखा देते हैं। और इस धोखा देने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम विश्वास करें तो किस पर करें, क्योंकि धोखा विषय ही एक ऐसा होता है कि व्यक्ति को मन रूप से तोड़ देता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपके साथ आने वाले महीनों में धोखा होगा कि नहीं होगा, और कुल मिलाकर आप कुछ पैटर्न समझ लें, जिस पैटर्न को समझने से आपके साथ जीवन में कभी भी धोखा नहीं होगा। मतलब 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप 90-80% आप धोखे से बचे रहेंगे। तो वो क्या वजह है, क्या चीज़ें, इस पूरे पैटर्न को समझें अपनी राशि से, अपने व्यक्तित्व से, और अपनी खुद की मदद करें। क्योंकि धोखा जब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो सिर्फ वही समझ सकता है, बाहर से जो ऑब्जर्व करते हैं वो सिर्फ कोरी बातें कर सकते हैं। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है और आपका आभार है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे जुड़े हुए अच्छे वीडियो, सकारात्मक वीडियो आपको मिलते रहें जो आपके जीवन में एक बदलाव लाए। और चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है, शायद आपकी किसी समस्या का समाधान यहाँ पर आपको मिले। वीडियो देखें, पूरा अच्छा लगे तो लाइक करें, जैसा भी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सबसे पहला, आपके साथ जो धोखे होने की एक मुख्य वजह होती है ना, आप अच्छे हैं, पूरी दुनिया को आप अच्छा समझते हैं, आपके पास चश्मा ही अच्छों का है। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे, दो तरह के लोग। तो अच्छे और बुरे लोगों में हम पहचान कर पाना बहुत टफ है, और वो पहचान ऐसे होती है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हैं। लोगों पर इतनी जल्दी यकीन ना करें। तीसरी बात है कि आप अपने मन की बात हर एक व्यक्ति को ना बताएं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि आपके साथ धोखे होने की संभावना ज़्यादा है। जब आप ज़्यादा सुनेंगे तो उतना समझ आएगा आपको। चौथी बात है, कुछ भी हो जाए अपनी आर्थिक चीज़ें या धन कभी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वहाँ से शुरू होती है। तो ये कभी ना करें। आप जब खुश हो तो किसी को वादा ना करें कि मैं ऐसा कर दूंगा, और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, फिर जाके नेकी करें और दरिया में डालें। तो ये सबसे सरल तरीका है, आपके साथ धोखों से आप बच सकते हैं। ओम नमः शिवाय।